गणपति पुले बीच में, जिसको यहाँ का नज़ारा ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभी न्यू ईयर का सीज़न है तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये है सौराज से पोडन आर्ट म्यूज़ियम, पता नहीं अंदर क्या है, मैं तो नहीं जा रहा देखने के लिए, लेकिन एक सिप है यहाँ पे म्यूज़ियम सिप, फ्लैग भी इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। और तो दोस्तों मैं अभी हूँ गणपति पुले बीच में ही, और यहीं पे थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आगे क्या है। तो मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, काफ़ी आगे दूसरे छोर पे, जहाँ की बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखूँगा, शांत है थोड़ा इधर एरिया, उधर बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मैं थोड़ा इधर वॉक करते करते आ गया देखने के लिए कैसा है पीछे आगे भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद जो आप ड्रोन शॉट्स भी एंजॉय करोगे थोड़ी देर बाद ही। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं आरेवारे बीच, उसके पहले भंडार पुले बीच भी आता है, तो देखते हैं वहाँ पे टाइम मिलेगा तो वहाँ पे भी देखेंगे, बट अभी आरेवारे बीच के तरफ ही जा रहे हैं। ग्रीन लीफ, इधर के रोड तो काफ़ी शानदार है, देख ही सकते हो आप लोग। ओह वाओ, क्या व्यू है सामने, एकदम स्ट्रेट रोड है, देखो दूर दूर तक दिख रहा है रोड। ओ माय गॉड, ओ एमजी, क्या बात। नाइस व्यू, नाइस व्यू। ये देखो दोस्तों समंदर,
तो दोस्तों मैं अभी हूँ भंडारपुले बीच में और यहाँ का सनसेट देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इस सनसेट को मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहा हूँ। आप लोग भी करो इन्जॉय। यहाँ पे क्या सुंदर व्यू है, वाह क्या बात है। आप सनसेट देखो और ये बीच देखो, इधर भंडारपुले बीच। तो दोस्तों हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो मेरे बाल काफ़ी बिखर रहे हैं और मैं नीचे इन सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, नीचे बीच पे जा रहा हूँ। काफ़ी स्टीप डिसेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हो ऐसा कुछ सीढ़ी है यहाँ पे। इन सीढ़ियों से आप काफ़ी जल्दी डिसेंट कर सकते हो इन बीच पे, वैसे तो काफ़ी ऊंचाई है बट जल्दी ही आप डिसेंट कर सकते हो इन सीढ़ियों से। मैं फटाफट बीच पे जाता हूँ और सनसेट का एंजॉय करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ सनसेट। वैसे तो यहाँ पे मैंने ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं तो मैं ऐड कर दूँगा, तो आप देख लेना ड्रोन शॉट्स यहाँ पर कैसा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नीचे उतरने में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप डिसेंट है और सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी भी हैं, जो इतना बुरा भी कंडीशन नहीं है, तो फटाफट उतर जाओगे बीच पे आ जाओगे एकदम क्विक, दो एक मिनट के अंदर ही आ जाओगे आप नीचे। ये देखो बीच का नज़ारा, वाह। तो दोस्तों मैं बीच पे आ चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, मेरे बाल तो काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं क्योंकि हवा ही इतनी चल रही है। वाओ इट्स अमेजिंग, कितना शानदार व्यू है, एकदम शांत शांत ये बीच है। आपको एंजॉय करना है यहाँ पे फैमिली के साथ या फिर अपने बेटर हाफ या कपल हो आप, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ, तो यहाँ पे आके भंडारपुले बीच में आके एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा शांत है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कोई नहीं है इस बीच पे, इतना शानदार लग रहा है। कितना शानदार व्यू है, वाओ क्या बात, इसी चीज़ के लिए तो आए थे यहाँ पे रत्नागिरी। बीच का सनसेट ना देखा तो क्या देखा।
काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है आई डोंट नो, बट मैं सामने से जो देख रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बीच तो काफ़ी मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन है। ओके, गणपति पुले बीच में उतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्लीननेस नहीं है, बट यहाँ ये बीच क्लीन भी है और यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि ये शांत, पूरा शांत बीच है ये पूरा का पूरा।